करेगा किसी हालत जेडे लोग पिछू खड़े तुरंत रिजाइन करो आप बह जाओ सारे बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ कांग्रेस पार्टी दूसरा कांग्रेस पार्टी सिद्धू साहब और मेरी प्रार्थना परम आदरणीय एक मिनट एक नारा लगाऊंगा आपके सामने सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा धन्यवाद सिद्धू साहब सिद्धू साहब ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਿਚੇ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵੀਰਾਨੇ ਕੋ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਗੈਰੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਭਾਈਓ ਭਗਵਾਨ मैं रब की अदालत आया और आपके दरबार में आया हूं सच पूछो तो चौकीदार को निपटाने आया हूं और मोदी को ठोकने आया हूं और अपने छोटे भाई हुड्डा को अपने छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा को मंत्री लाल लाइट वाला टाइम 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 वो बनाने आया ठोको ताली ठोको मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां कल को यह ना कहें कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू खामोशी से तमाशा देख रहा था इस बार कोई पार्टी हारेगी या जीतेगी नहीं पार्टियों से ज्यादा हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा इसलिए यह हिंदुस्तान के पक्ष की लड़ाई है धर्म के पक्ष की लड़ाई है हमारे भविष्य की लड़ाई है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट तीन मोदी भाग गए चौथा बोल रहा झूठ ठोको ठोको ताली ठोको बहनों भाइयों पड़े पड़े यार मेरी फतो दे बहनों भाइयों बरेली चले गए मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि झुमका यही तो गिरा था ठोको ठोको तारी ठोको जरा बहनों भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी 242 संकल्प किए तुमने 242 संकल्प 242 वादे गंगा साफ कर दूंगा 15-15 लाख ब्लैक मनी ला के तुम्हारी जेब में डाल दूंगा 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी दे दूंगा किसान की इनकम दुगनी कर दूंगा बुलेट ट्रेन फूर करके चला दूंगा नरेंद्र मोदी 242 में से एक पूरा नहीं हुआ और सिद्धू चौक में खड़ा होकर गाना गा रहा है वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे ने तेरे मार दिया बंदा ये सीधा साधा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा क्या वादा किया तूने ए
वो फिल्म आ रही है, मैंने देखी थी हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन तो देखी होगी सबने, घर में ही देख लेता आदमी। हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन, अब मोदी की फिल्म आ रही है फेंकू नंबर वन, ठोको ठोको ताली ठोको, झूठा नंबर वन। बहनों भाइयों, पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकीदार 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 चौकीदार। ये हुई ना बात, आया करंट। नौजवान भी तगड़े हैं, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। अरे हुड्डा साहब का होश और दीपेंद्र का जोश, ये तगड़ा दोनों काम करेगा, लगाएगा कांग्रेस के झंडे में डंडा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं तुमसे आज सवाल करता हूं चौक में खड़ा होके, और तुम्हें कहता हूं डंके की चोट पे कि तुम ही तो कहते थे बहनों भाइयों ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। 35,000 करोड़ रुपया राफाल में तुमने अंबानी को खिलाया, जम के खाया, थोक के खिलाया। इस बात से अगर तुम मुकरते हो तो बताओ, ऑफसेट पार्टनर बनाया अंबानी की 7,500 करोड़ डूबी हुई कंपनी के 10 रुपए का शेयर 1100 में खरीदवाया। गंगा साफ करने की बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट कहता है 200 साल में गंगा साफ नहीं होगी, जिस कछुए की चाल तुम चल रहे हो। तो सुनो दामोदर दास मोदी, सिद्धू कहता है आए थे 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफाल के दलाल बनके, राफाल के दलाल बनके। ठोको तारी ठोको, ठोको ठोको टिका के ठोको। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है भैया। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको तारी ठोको ठोको ठोको, आज इसके पोतने खोलूंगा मैं। बड़ा प्रधानमंत्री बड़ा फिरता है ना ये, इसकी धोती में आग लगाता हूं आज ही। बुझा सके तो बुझा, भाग नरेंद्र मोदी भाग, के हिंदुस्तान की जनता आती है कुर्सी खाली कर। तेरे 5 साल और हुड्डा साहब का काम देख। अरे कहते थे सिद्धू का बल्ला बोलता है, अगर सिद्धू का बल्ला बोलता है ना तो हुड्डा साहब का काम बोलता है, काम बोलता है। कोयलकूप से पेड़फल से खेत उपज से, और इंसान अपने कर्म से जाना जाना चाहिए। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और हुड्डा साहब का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। इस बार छोटा चौथी बार जीतेगा, 4 बार का एमपी, यदि वोट तगड़े डाले, यदि मार दिया छक्का, तो भैया बैठ जा, उनको लग रहा मैं हेमा मालिनी को, बैठ जा भाई साहब। यदि मार दिया छक्का तो फिर तुम्हारा ये छोटा भाई दीपेंद्र बहुत बड़ा आदमी दिल्ली में बनेगा, जाके लाल बत्ती वाला। ठोको जरा, अपनी वोट को छोटा मत समझना। एक छोटी सी चिड़िया तालाब में से जल लाती और जंगल की आग बुझाती। एक कौवा बैठा था मोटा ताजा मोदी जैसा, कहने लगा चिड़िया रानी मैं तो समझता था तुझे बड़ी सियाणी, तेरी चोंच में आता है इतना सा पानी, तेरी चोंच में जितना आता है पानी इससे क्या आग बुझने वाली है। तो चिड़िया बोली कौवे राजा, जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वाले वहां आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। ठोको तारी ठोको, ये तुम्हारी ये वोट जात पात मिटा सकती है, भेदभाव मिटा सकती है, आतंकी आग बुझा सकती है,
मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है बंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग लगा दो। ठोको ताड़ी जरा इसके पुतले खोलने आज बहनों भाइयों, मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं जापान जाता हूं बचपन में मेरे पिता याद आ जाते हैं, जो कहते थे बाल नरेंद्र जापान ले आ, ठोको ताड़ी, ये प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान, तोते उड़ा देने इसके छक्के, क्या झूठा आदमी है, मेरी शिकायत करता, कह रहा है सिद्धू मुझे झूठा बोलता है, तो और क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलूं तुझे, है झूठा सिरे का झूठा, क्या पूरा किया तुमने, मैं ठंके की चोट पे तुम्हें कह रहा हूं भाइयों, कि ये आदमी बांटने वाला है, ये आदमी जात पात के नाम पे, धर्मों के नाम पे सरदार पटेल के अखंड भारत को खेरू खेरू करना चाहता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, गरीब की रोटी की बात हो, ठोको ताड़ी। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, यार 1 मिनट उगरू चुप कर जाएगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये जो कहते हैं ना मोदी मोदी, ये चिराग बुझने वाला है, इसकी लौ फड़फड़ा रही है और चिराग बुझने वाला है, और ये खड़कने वाले हैं और ये भागने भी वाले हैं, मैं बता रहा हूं तुमको, ये एक झूठे प्रधानमंत्री की सिफारिश में आते हैं मेरे लिए तो बैज है, जब ये कहते हैं ना मोदी मोदी, मुझे लग रहा है मिर्ची लगी 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 लगी। हाँ, मैं कहानी सुनाने वाला था, 2 करोड़ नौकरी कहता था ये, बहनो भाइयो 2 करोड़ नौकरी, बहनो भाइयो तुम्हें दूंगा, 8 लाख नौकरी मिली 4 साल में मोदी ने दी, 8 लाख, और अंबानी अडानी को जो ठेके दिए, मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइना में हुई, 65 मिलियन जॉब्स, 6.5 करोड़ नौकरी चाइना देता है, और पिछले साल इसी सरकार के आंकड़े हैं 1 करोड़ 10 लाख नौकरी गई। ओ भाई कहानी सुन लो, मोदी समझ आ जाएगा, एक बंदे की शादी नहीं होती थी, उन्हें पीर बाबा बलटोई की मजार पे सुखना सुखी, उन्हें कहा भाई बाबा बलटोई मेरी शादी करवा दे, 40 दिन देसी घी के चराव बाड़ूंगा 100-100, उन्हें घी की पीपी सैंती, जैसे वो पीछे खड़े हैं ना वो भी वैसे ही है, चौकीदार चौकीदार गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, हाँ उन्हें घी की पीपी सैंती, और कहा बाबा बलटोई हर रोज 100-100 दीप जलाऊंगा, जब 39 दिन 100-100 दीप जलाए, 40वां दिन आया तो उसने अभी 30 ही दिन आए थे, पीछे से आवाज आई मुख्तियार से, उन्हें कहा ले अभी मुकलावा आ गया, शादी का न्योता आ गया, फिर वह 5-6 और जलाए, जब 3 रह गए चराग, फिर आवाज आई मुख्तियार से, कहने बता भाई लंबी है उच्ची है सोनी है सनखी है कैसी है, कह रहा मुख्तियार से तेरी मां मर गई हुई, कहना है ओ वाह तेरे पीर बाबा बलटोई, ओ वाह तेरे पीर बाबा बलटोई, ते नवी लाड़ी तो क्या देनी थी मेरे बापू वाली भी खोई, ठोको ठोको ताड़ी ठोको, क्या वाह तेरे मोदी, 2 करोड़ नौकरियां देनी थी मिली 8 लाख, 370% पेट्रोल पे ड्यूटी, 400% डीजल पे ड्यूटी, 37 रुपए का पेट्रोल और 47 रुपए का टैक्स, गरीब का पजामा 200 रुपए का और नाड़ा 1200 रुपए का, बोलो मोदी बोलो मोदी, तेरी धोती में लगाऊंगा आग मोदी, बोल हैं 200 का पजामा 1200 का नाड़ा, ये है मोदी, खोद वाली गोपी ठोको ताड़ी, हर चीज में मुकर गया, फिर शिकायत करता है सिद्धू की, मैंने तो कुछ की नहीं, चुनाव कमीशन में जाकर रोने लग गया, मेरे को सिद्धू बोलता है चोर, और क्या कहा क्या बोलूं, है
क्या बोलू उठाई गिरा ठोको ठोको ताली ठोको। ये मैं नहीं बोल रहा मोदी, जनता बोल रही, दस्ती पाड़ की आवाज आ रही है। तो अपने झूठ की लहर में डूबेगा, अपने झूठ की लहर में। पेट खाली है, सुन लो मोदी, मोदी सुन लो, पेट खाली और योगा कराया जा रहा है। यू 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 जेब खाली और खाता खुलाया जा रहा है। पेट खाली और योगा करा रहा है। सवेरे लेट जाता यूं करके ढेटे से निकला हो यार, यूं होकर मुद्दा हो जाता है। फिर लोगों को दिखाता ड्रम में बाहर, तू इतना योगा करता तेरी टंकी यहां तक है। और प्रियंका जी कभी योगा नहीं करती, राहुल जी कभी योगा नहीं करता, सिंधिया साहब एक्टरों से सुंदर लगते हैं। ठोको ताड़ी और इतनी टंकी लेके बूट नहीं दिखते नीचे, ठोको ताड़ी ठोको। पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है और खाता खुलाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ताड़ी ठोको ठोको। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, मेक इन इंडिया बनाएंगे। बहनों भाइयों, सारा कुछ इंडिया में बनाएंगे। सरदार पटेल का बुत चाइना से, राफेल जहाज फ्रांस से, बुलेट ट्रेन आई नहीं जापान से, वो इनसे क्या कराएगा? मोदी पकौड़े तलवाएगा क्या? ठोको ताड़ी। दो चीजों के लिए जाना जाएगा मोदी, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगौड़ा योजना। ठोको। नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहां खड़ा होकर पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके, मैं एक मां का दूध पी के तुम्हें कहता हूं, तुमने गिरवी रख दिया हिंदुस्तान को, तुमने 32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया 5 साल में, 7 लाख करोड़ रुपया एक साल, 7 लाख करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी 64 साल में 50 लाख करोड़ का कर्जा था, 270 टन सोना गिरवी रख दिया तूने, 270 टन धिक्कार है तेरे जैसे राष्ट्रभक्त के लिए, मैंने देखा नहीं, मैंने 270 टन सोना गिरवी रख दिया, 32 लाख करोड़ का कर्जा। कोई बच्चा पैदा होता है 7 लाख करोड़ का कर्जा एक साल का, और 2 लाख एनपीए था सरकारी बैंकों का, जो नीरव मोदी बाकी सब मोदियों को भगाया, आज वो 24 लाख करोड़ रुपया है, 24 लाख करोड़। वो पहले चौकीदार कहता था सुन लो मोदी, मोदी सुनो, पहले चौकीदार कहता था जागते रहो जागते रहो, ये सारे सरकारी बैंकों का पैसा निकाल के नीरव मोदी के हाथ में देके कहता है भागते रहो, अरे भागते रहो, अरे भगौड़े हो जाओ, भागो भागो ठोको ताड़ी, गांठ बांध के फेंकूंगा इसको मोदी मोदी है। और सुनो, सारी सरकारी कंपनियां हमारी एनपीए 24 लाख करोड़। कोई किसान अगर 2 लाख रुपए कर्जा लेता है बहनों भाइयों, उससे ब्लैंक चेक लिए जाते हैं, अगर वो 2000 रुपए दे नहीं पाता, उसकी कुर्की करवाते हैं, उसकी जमीनें बिकवाते हैं, उसे जेल में फिकवाते हैं, तो तेरा क्या टांका बिड़ा है इस अडानी के साथ? 1 लाख करोड़ देना है अडानी ने, इसकी प्रॉपर्टी क्यों अटैच नहीं कराई, इसको जेल में क्यों नहीं ठोकया, इससे पैसे क्यों वसूल नहीं की? 46,000 करोड़ अंबानी ने देना, इसको जेल के अंदर क्यों नहीं दिया, ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूं क्यों, सुन लो मोदी मोदी वालों सुन लो, वो इसलिए कि अंबानी और अडानी इसकी फोटो लगाते हैं सवेरे और कहते हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। कहां कदरदान, कहां कदरदान, अंबानी अडानी जैसा मिलेगा बुलबुल की तरह नाचता है ठोको ताड़ी। बीएसएनएल सरकारी कंपनी 5,50,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर
के बैठना चाहता है अंबानी के हाथ में 30,000 की बेचेगा, यदि मैं ना बोलता तो 25 की बेचता। उसको आज तक इसने 4G कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन 4G कॉन्ट्रैक्ट एयरटेल को भी दिया और अंबानी के जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन। अबे तेरी थुकाई होगी अब धन धनाधन, जाइयो जरा वोटें मांगने जाइयो, फिर पता लगेगा। ONGC 1,07,000 करोड़ सारे पैसे गरीब मरी कंपनियां खरीदवाने में लगा दिए। BHEL फेल, 8,000 करोड़ के फायदे में आज 9,000 करोड़ के खाते में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,092 करोड़ के फायदे में, आज 4,000 करोड़ के घाटे में। सब सरकारी कंपनियां बेच डाली। वो क्या हो गया यार? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ओए कुछ नहीं। सब सरकारी कंपनियां बेच डाली नरेंद्र मोदी ने। और आज ओए गुरु, और आज बात करते हैं ये ना, मैं आज ठोक के छाती कहता हूं कि ना राम मिला, ना राम मिला, ना रोजगार मिला। हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताड़ी। कौन सा वचन निभाया है तुमने? कौन सी बात तुमने ऐसी की है? वो एक जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, एक जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया। सुनने वाली बात है भाई, वकील करना पड़ गया। जाट की जेब में 5 रुपए। उन जमानों में हम गोरे अंग्रेजों से आजाद कराते थे भारत को, आज काले अंग्रेजों से मुक्त कराना है भारतवर्ष को, काले अंग्रेजों से। तो जाट की जेब में 5 रुपए, वकील कहता 100 रुपए लगेंगे। जाट मरता क्या ना करता, कहना दिए। वकील कहता नहीं तो पटा लगाएंगे, पटे के ऊपर लिखा होता है पुलिस वाले आन मिलो सजना। वो 60 सेकंड में 100 बार मारता थार 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 थार। तो कह रहा भैया बचा लो मुझे, जाट की जेब में 5 रुपए। कह रहा 100 रुपए लगेंगे, बोल जुगाड़ बताओ। कह रहा बताओ। कह रहा तू पागल बन जियो, तू बौरा बन जियो, तू बाल बाल बिखेर लियो और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग जियो, तू मानियो मत, तू कमरा बन के खड़ा हो जाना। कह रहा 100 रुपए देगा? जाट कह रहा देगा, जेब में 5 रुपए। लो जी अगले दिन जज खड़ा हुआ सामने। जज कह रहा बताओ ए, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया? कह रहा पागल हो गया, ठीक है। कर रहा बोल इकबाल ने जुर्म करता, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता। कर रहा बाहर निकालो, यहां खड़ा होने के काबिल नहीं है, बाहर निकालो। जब बाहर निकाला तो वकील भागा भागा आया, कहने लगा क्यों कैसा था जुगाड़, बरी करवा दिया कि नहीं? कह रहा हूं कह रहा मेरे 100 रुपए लेकर हूं। इस मोदी से पूछो, 15 लाख रुपए नहीं आए मोदी साहब? अरे 2 करोड़ नौकरी नहीं आई मोदी साहब? अरे मोदी साहब गंगा साफ नहीं हुई? अब जब बीजेपी वाले तुम्हारे पास आएंगे ना वोट मांगने के लिए, तुम क्या करोगे? ठोको ताड़ी, ठोको जरा, ठोक के ताड़ी ठोको, एक आगे मारो ताड़ी। नोटबंदी कर दी तुमने, छोटे व्यापारी मार दिए तुमने, GST लगा के एक छोटा व्यापारी अपनी दुकान में 10 कर्मचारी रखता था, आज 10 सरकारी अधिकारी आके उसके कागज फोड़ते, बंबल पूछा पाता, चारों तरफ से बवंडर लगा दिया। तुमने खत्म कर दिया छोटा व्यापारी नोटबंदी में। कोई अंबानी या अडानी खड़ा देखा? देखा लाइन में? 4 दिन की जिंदगानी 2 कतार में और 2 इंतजार में, देखा कोई? हाथ खड़े करो, देखा? तुमने कहा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि 90 लाख करोड़ रुपया लाऊंगा, 90 लाख करोड़ रुपया, जो डॉलर को तगड़ा कर रहा है, जो यूरो को तगड़ा कर रहा है, जो पाउंड को तगड़ा कर रहा है। 1600 बंदों की लिस्ट बैंकों की,
6000 बंदों की लिस्ट जो यहां का पैसा बाहर विदेशों में ले गए, एक बंदे का नाम नहीं लिया तुमने, एक बंदे का नाम नहीं लिया। और तुम अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हो? मोदी जी को लगता है 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। ठोको ठोको ताली ठोको ऊपर से भी आएगा। मोदी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन और एक चाय की दुकान, और भक्तों ने खोद के निकाला है भारत, खोद के। हाँ, अरे मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया। जब तुम्हारी मां तुम्हें गोद में, सो जा बेटा सो जा, लोरी सुनाती होती थी तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था, ठोको ताली। जब तुम चड्डी में थे, खुद तुम्हारे पोतले नहीं खुले थे, तब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, भाखड़ा डैम बन गया था, इसरो बन गया था, तब एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था। और जब तुम अपनी डंडी लेके छोटी सी ऐसे करके आरएसएस की शाखा में डंडे खड़काते थे, टिकू 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 टिकू, तो हिंदुस्तान 3 जंगे जीत गया था मोदी। ठोको ताली ठोको। और जब तुम गुजरात में दंगे करा रहे और नाम आ रहा था गुजरात में दंगों का, तब शीला दीक्षित ने दिल्ली में मेट्रो रेल ट्रेन चला दी थी, शुरू करके ठोको ताली। अरे कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, मौलाना आजाद की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, लाला लाजपत राय की पार्टी, हिंदुस्तान की पार्टी। 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेके अंतरिक्ष यान बनाए हैं और तुमने क्या बनाया? चोर चौकीदार बनाए। चीन समंदर के नीचे रेल बिछा रहा है, अमेरिका मंगल पे जाके जीवन तलाश रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और मोदी तुम चोर चौकीदार बना रहे। अंधों के बाजार में, सुनो जरा ध्यान से, अंधों के बाजार में आईनों के खरीददार हैं, शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, हम भी तो ठोको ठोको ताली ठोको जरा, हम भी चौकीदार हैं। अरे हम तो सोचे थे निकलेगा चौकीदार चौकन्ना, ये तो निकला बिल्कुल निकम्मा ठोको ताली। कभी चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है? किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है? किसी मजदूर के घर के बाहर खड़ा देखा है? गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा था बहनों भाइयों, किसी ने पूछा गुरु साहब बंदा केड़ा चंगा, तजनानी केड़ी चंगी? कोई कहेगी 8 फुट का कद हो, 24 छाती हो, मारे डोले फड़कते हो, मारे घूसा बंदा धरती में ही गाड़ दे, बंदा तो वो अच्छा। कोई कह दी औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लोरी नए नक्श, अरे मुंह खुले का खुला रह गया भाई का, वाह। तो गुरु साहब ने कहा बात सुनो भाई, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया होगी। तो बता मोदी, कौन सा वचन पूरा किया तूने? बता ना, कौन से गरीब का भला किया तूने? बता, कोई एक चीज की हो तूने? ओ भैया मरवाओगे मेरी तो पहले शिकायतें करता रहता है। देखो बंदा कितना भी बब्बर शेर हो जाए, सवारी तो दुर्गा ही करती है। ठोको ताली ठोको। इनके सरकारों देख लो, छत्तीसगढ़ से 25,000 कन्याएं चोरी हुई,
बंबई की मंडियों में बिकी तभी तो सरकार पलटी इनकी। मध्य प्रदेश 3 साल मामा शिवराज मामा तो गयो, अब ऊपर वाला ठाकुर भी गयो। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम फेला। वो स्मृति ईरानी आय हाय 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 मतलब कमाल ही है भैया, कमाल ही है। वो पिछली बार राहुल जी के साथ इलेक्शन लड़ने आई बीए पास थी, अब की आई है तो 12वीं पास हो गई। अब जब अगली बार आएगी तो केजी क्लास में एडमिशन ले ही लेगी। झूठे लोग, कोई विश्वास नहीं इनका। अरे तुम्हारे 5 साल और कांग्रेस के 70 साल, तो विश्वास किसको ज्यादा दिया हिंदुस्तान ने? अरे आई आई कांग्रेस आई, आई 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 आई। और जब ये मोदी कहे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो तुम कहना अब की बार बस कर यार, ठोको ठोको तारी ठोको। मैं कहूंगा अब की बार तुम कहना बस कर यार, ठीक है? अब की बार, अब की बार, अब की बार। वो कहां गए मोदी मोदी वाले? भाग गए सब, धोती में आग लग गई, सब दौड़ गए। ऐसे ही भागोगे तुम, ऐसे ही भागोगे तुम, क्योंकि दूध को भट्टी पे रख दो तो दूध का उबलना निश्चित और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। अब की बार बस कर यार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। अब तो पूरी मतलब है इतना डन हो गया काम, इनके पल्ले क्या है पूछो। अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंगी का प्यार आया। ठोको तारी ठोको। बेचे थे जिन्होंने देश के हक अंबानियों और अदानियों के हाथ में, आज भारतीय जनता पार्टी की वजारत में उनका शुमार आया। पलट गए तुम्हारे दिन। कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी हैं, फूलों में खुशबू छुपी है, गन्ने में गुड़ छुपा है, दूध में मक्खन छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बनके तुम्हारे दिलों में छुपा है, तुम्हारे भीतर छुपा है। मैं उस भगवान का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और तुम्हें कह के जा रहा हूं पंजाबी हो जोड़ी भर देना, और पंजाबी में ही कह रहा हूं जरा यार ना देखे ऐबा नू और यार मुबारक हुंदा है। पंजाबी बंदा पंजाबी ना बोले ऐसा लगता झूठ बोल रहा है। जरा यार ना देखे ऐबा नू और यार मुबारक हुंदा है, जिस प्यार च पूरा गर्ज नहीं वो प्यार मुबारक हुंदा है। की लेने उच्चे महिला तो की देना शिखर मनारा ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा, वो द्वार मुबारक हुंदा। ये बाबा नानक का चमत्कार है कि करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुल रहा है। मेरे बाबा नानक जी बोले सोनिहाल, तुम बांटते हो मोदी, कांग्रेस जोड़ती है। जोड़ने वाले को मान, तोड़ने वाले को अपमान। तुम तो हिंदुस्तान के संविधान पे बार करते हो जो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपके चरणों में अपनी पगड़ी झुका के आपसे एक ही बात मांगता हूं कि मेरे छोटे भाई जितेंद्र को अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो भाई। और दुक्का होगा तब जब वो 1 लाख से जीतिया, चौका लगेगा तब जब वो 3 लाख से जीतिया, और छक्का लगेगा तब जब वो 4 लाख से जीतिया। अरे मैं जब जवान होता, अभी भी जवान हूं, तो मैं छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। ऐसा छक्का मारो मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पार। ठोको तारी ठोको।
ਡਬੋ ਡਬੋ ਤਾਲੀ ਠੋਕੋ बुरे दिन जाने वाले और राहुल गांधी आने वाले। अगर प्रधानमंत्री बदलना है तो एमपी बनाने पड़ेंगे, एमपी नहीं बनाओगे तो प्रधानमंत्री कहां से बनाओगे। एमपी हराना है और प्रधानमंत्री बनाना है कैसे होगा। गेहूं खेत में बेटा पेट में ब्याह की तैयारी, खोको तारी गोली मारी राम को लगी घनश्याम को मर गया तिवारी, ठोको तारी। ये तुमने देखना है, ये देश नीलाम हो रहा है। 25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, 24 लाख करोड़ बैंकों से चोरी होके भगा दिए अमीर। किसानों का 1.5 पैसा माफ नहीं किया। पेट्रोल डीजल में 11 लाख करोड़ टैक्स, सरकारें भंवरे की तरह होती है, जैसे गुलाबों से रस लेता है भंवरा ऐसे टैक्स लेती है। ये गरीब का खून चूसने वाली जोक बन गए। लाल गुलाबी सुने थे नोटबंदी ने, इन्होंने नोट गुलाबी कर दिया। 500 का बंद कर, 1000 का बंद कर, 2000 चालू कर दिया, सारी दुनिया में कभी नहीं हुआ। काश यही अंदर की बात है। ठोको इसके लिए तारीफ ठोको भाई। देखो बच्चे बूढ़े और जवान, ये बुजुर्गों के लिए भी एक सुना दूं भाई। आयु थोड़ी बड़ी है। सीताराम सचदेवा, लो भाई आज के बाद आप भूलोगे नहीं, इनको ऐसा शेर सुना के जाऊंगा। आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है। अरे नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है। अरे वही दमखम वही चमचम, मन ठाठ वही है, तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी है। मार दो छक्का सचदेव साहब, मार दो अभी ऐसे कैसे मारो, ठीक हो ना, छक्का मार। अरे ठीक है, चार लाख पे अगर 4 लाख का छक्का लगा की तरह नहीं हूं एहसान फरामोश, ये अडवाणी का नहीं हो सका तो और किसका होगा, हिंदुस्तान का कैसे होगा। 2 में तो टांग किसने लगाई अंगद के पैर की तरह, अडवाणी जी ने लगाई। जब दंगे हुए वाजपेयी साहब ने कहा इस्तीफा दो, अब टांग किसने लगाई, अडवाणी जी ने। मेरी मां कहा करती थी बेटा गुरु के पास कोई भी गुनाह करके जाना तुझे माफी मिलेगी, लेकिन एहसान फरामोश आदमी का बोझ धरती उठाती नहीं है बहनों भाइयों। ठोको तारी, ये कर्म आएंगे वापस नचाएंगे। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, अगर छक्का लगा और 4 लाख से दीपिंदर जीत गया तो सिद्धू इसी जगह पे कैंप में आके धन्यवाद करने आएगा। ठोको ठोको तारी ठोको, और गोल गप्पे भी खा के जा रहा हूं तुम्हारे, तुम्हारा नमक खाया सरदार ने आप समझे नहीं, गोल गप्पे भी खा के जा रहा हूं। किसकी भूरू की टिक्की, और मेरे अंदर खड़ी होके बस ऐसे ही खड़ी है, भूरू की टिक्की भी खा के जा रहा हूं भाई साहब की हॉस्पिटैलिटी, और वो चाय पी के जा रहा हूं, ऐसी चाय जिंदगी में नहीं पी पाई, सुरेश की चाय। ठोको ताड़ी सुरेश के लिए। इसलिए रोहतक वालों एहसान है आपके, यदि मेरा भाई दीपिंदर 4 लाख के ऊपर जीतिया तो सिद्धू अपनी पगड़ी मानेगा, रोहतक वालों को अपनी पगड़ी। गुरु तू तो घरवाली से भी नहीं डरता, मान गया मैं तुझे, छा गया तू तो बगैर बादलों के।
एक ही बात, हमारी प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमने बनाना है। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। दिल्ली में तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। चलते भी चलो, चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत। अरे चलते भी चलो, बढ़ते भी चलो कि अब डेरे लाल किले पे झंडा फहराने लगाए जाएंगे। ठोको ताली। तो धमाका जरूरी है, भगत सिंह कहता था। कुंभकर्ण को जगाना हो तो धमाका जरूरी है, दोनों हाथ खड़े। जिसने सेंटरी भी लगाया वो भी खड़े हाथ। हाँ, भारत माता की, भारत माता की। लग गया छक्का, करते हैं आजादी की।